हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक्सपोर्ट के लिए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आईसी कोड कंपलसरी है? नहीं। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और आपको करंट बैंक अकाउंट खुलवाना है तो पहले स्टार्टिंग में बैंक का अकाउंट खुलवाने के लिए आईसी कोड नहीं चाहिए, क्योंकि पहले जो है अकाउंट खुलेगा उसके बाद तो आईसी नंबर आएगा, बट बैंक वालों को इतना पता नहीं रहता है। वो पहले ही आपसे मांग लेंगे कि आईसी कोड दो तो आपका हम एक्सपोर्ट का अकाउंट खोलेंगे। पहली बात तो ये कि एक्सपोर्ट का ऐसा कोई स्पेशल अकाउंट नहीं आता है, फिर भी वो लोग बनाते हैं डॉलर अकाउंट वगैरह। कई लोगों बैंकों की अलग अलग स्कीम होती है जिसमें मिनिमम आपको 1,00,000 रुपया रखना है, इसमें इतना चेक फ्री देंगे, इतना ए फ्री देंगे, इतना ट्रांजेक्शन फ्री देंगे, इनवर्ड का चार्ज नहीं लगेगा, आउटवर्ड का चार्ज नहीं लगेगा, ऐसा करके वो एक पैकेज बनाते हैं जो आपको बेचते हैं। डॉलर अकाउंट खुलवाओ तो आपको इतना इतना फ़ायदा मिलेगा। बट नॉर्मली आपको बता दूँ कि जो चीज़ें होती है सब सेम होती है। अकाउंट करंट अकाउंट मतलब करंट अकाउंट होता है, बट उसमें फैसिलिटी फिर उसकी स्कीम के हिसाब से जो है वो देते हैं। तो करंट अकाउंट खुलवाने के लिए उसमें आईसी पहले नहीं चाहिए। तो क्या करना है, जब आप बैंक में जाते हो तो बोलते हो सर एक्सपोर्ट के लिए मेरे को अकाउंट खुलवाना है, तो बोलेगा आईसी कोड लाओ हम खोल देंगे। पर आईसी कोड तभी मिलेगा जब बैंक में अकाउंट होगा, तो उसे ये बोलना है सर हमें अभी नॉर्मल करंट अकाउंट खुलवाना है। क्या बोलना है, हमें नॉर्मल करंट अकाउंट खुलवाना है, हमें ट्रेडिंग करना है, बिजनेस करना है ट्रेडिंग करना है, तो नॉर्मल करंट अकाउंट खुलवाना है। तो फिर वो आपको करंट अकाउंट खोल के देंगे। डायरेक्टली आप बोलोगे एक्सपोर्ट के लिए तो आईसी मांगेंगे, बट आईसी कंपलसरी नहीं है। देखो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये भी बताता हूँ आपको, और डिटेल में एक चीज़ बताता हूँ कि सर कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊँ, देखो अगर आपको प्रोप्राइटरशिप कंपनी स्टार्ट करनी है बराबर, तो आपको सबसे पहले दो गवर्नमेंट प्रूफ चाहिए, मतलब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए दो गवर्नमेंट प्रूफ चाहिए। तो उसमें उद्योग आधार कई बैंक चलाती है, कई बैंक नहीं चलाती है। दूसरा होता है शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बोलते हैं या ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं कई स्टेट में, ये ट्रेड लाइसेंस होता है या शॉप एस्टैब्लिशमेंट जो है शॉप एस्टैब्लिशमेंट होता है उसका सर्टिफिकेट, या म्युनिसिपैलिटी रजिस्ट्रेशन आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी में जाओ, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, जो कंपनी का नाम रखना है वहाँ पे दो, वो अपने सर्टिफिकेट में दे देंगे कंपनी का नाम, वो आप बैंक में दो, आपका बैंक का करंट अकाउंट खुल जाएगा। बैंक का करंट अकाउंट खुल गया मतलब आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी खुल गई। उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पान कार्ड, वो प्रोप्राइटर का ही खुद का ही चलेगा, मतलब पर्सन का बंदे का पर्सनल पान कार्ड ही चलेगा, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप कंपनी। बाकी आपको जो भी कोई कंपनी बनानी है, जैसे कि आपको बनानी है पार्टनरशिप कंपनी, आपको बनानी है LLP कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको जाना है सबसे पहले CA के पास जाना है। CA आपको पार्टनरशिप डीड बना के देगा, या फिर आपको LLP बनानी है या प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, तो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी बनानी है या LLP बनानी है, तो फिर आपको क्या करना है, CA को सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, वो ROC में रजिस्ट्रेशन करके आपको ROC का सर्टिफिकेट दे देगा। और जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी का पान कार्ड, तो कंपनी का पान कार्ड भी आ जाएगा। तो कंपनी का पान कार्ड आपको मिल गया है, कंपनी का ROC का सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, कंपनी का उद्योग आधार आप निकाल सकते हो, तो इतने डॉक्यूमेंट जो है, और आपके पास रेंट एग्रीमेंट होगा, एड्रेस प्रूफ होगा, इतने डॉक्यूमेंट जो है वो इनफ है करंट अकाउंट खुलवाने के लिए। तो ROC का सर्टिफिकेट वगैरह आप दो बैंकर को, वो तो उसमें आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो फिर म्युनिसिपैलिटी का वगैरह का लेने की कंपलसरी नहीं होता है, कहीं कहीं एरिया में कंपलसरी है, तो डिपेंड रहता है। बट जो है आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए करंट अकाउंट खुलवाना, तो वो जो है तो आपको इस हिसाब से कंपनी करनी है। प्रोप्राइटरशिप है तब गुमास्ता या शॉपेक लाइसेंस करके आप कर सकते हो, और बाकी प्राइवेट लिमिटेड या LLP करनी है तो आपको CA करके कंपनी इनकॉर्पोरेट करके देगा, उसके बेसिस पे आपका जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाएगा। उस पर फिर क्या होगा, पहले करंट अकाउंट खुलेगा, उसके बेसिस पे आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी मिल जाएगा और GST नंबर भी मिल जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको जो है पहले आईसी नंबर नहीं चाहिए, पहले आप जो है करंट अकाउंट खुलवाओ, करंट अकाउंट खुलवाने के बाद आपको आईसी लेना पड़ेगा तो आपको एक्सपोर्ट करना है तो। बट पहले मैंने बताया ना कि बैंक में अकाउंट खुलवाने जाओ तब ध्यान रखो, उसे ऐसा मत बोल दो डायरेक्टली इतना कि सर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही करना है, दूसरा नहीं करना। उसे बोलो लोकल ट्रेडिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंगे तो अभी तो लाइसेंस नहीं लेना है, एक्सपोर्ट बाद में करना है, तो पहले लोकल बिजनेस करना है, तो आपको करंट अकाउंट खुल के देगा और आपका अकाउंट खुल जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं। बहुत सारे लोग गांव में जो बैंक होती है उसको पता नहीं रहता है। और भी आपको कुछ भी क्वेरी है बैंकिंग के रिलेटेड तो आप यहां पे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आंसर जो है वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।